सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज़ अभिषेक वर्मा एंड आज हम जा रहे हैं बरसाना। वहाँ पे जो हमें देखना है, जो कैप्चर करना है, वो है लड्डू की होली एंड लठमार होली। उसके बाद देखूँ आगे और क्या क्या प्लान में और कहाँ कहाँ जा सकता हूँ और क्या क्या मैं वहाँ पे कैप्चर कर सकता हूँ। तो मिलते हैं फिर बरसाने में। मम्मी यहाँ पर मेरे साथ जा रहे हैं, साहिल घर पर हैं, पैकिंग वगैरह सारी डन हो चुकी है। पापा फाइनल पैकिंग ले रहे हैं और मम्मी भी जो है पता नहीं क्या क्या निकाल रही है। हाय तुम्हारा रेडियो चलने के लिए। हाँ यस बिल्कुल। चलो फिर मिलते हैं बाहर गाड़ी में। गाइस माँ ने भी सामान उठा रखा है, पापा ने भी उठा रखा है, मैंने उठा रखा है। करीबन 6 लगेज हो गए हमारे पास। गाड़ी अंदर नहीं ला पा रहे क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए थे। वैसे सही टाइम है निकलने का, 6:30 करीबन हो रहे हैं, तो बस निकल रहे हैं यहाँ से। मैं भारी तो नहीं लग रहा सामान? नहीं नहीं दे दो, दे रहे हैं तो राधा रानी के नाम से सब हल्का। एक्साइटेड हो जाने के लिए। गली के अंदर तो गाइस इतना पता चलता नहीं है कि कितना उजाला हुआ है कितना नहीं है। देख सकते हैं अच्छा उजाला हो चुका है। मॉर्निंग में मंदिर में आरती हो रही थी, वो भी सुन ली थोड़ी सी, विच इज़ अ गुड साइन। तो बस अब गाड़ी के पास पहुंच गए ऑलमोस्ट। गाड़ी क्लीन करते हैं और निकलते हैं फिर यहाँ से। तो गाइज निकल रहे हैं फाइनली। मम्मी यहाँ पे आगे बैठे हैं, पापा ड्राइव करेंगे अगेन और मैं पीछे बैठा हूँ, आराम से अपनी ब्लॉगिंग करूँगा और जो भी होगा अपने गाइड करता रहूँगा आगे रास्ते का। तो मिलते हैं फिर बरसाने, रास्ते में जो जो भी होगा कैप्चर करेंगे। तो बोलो बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, चकबंदी वाले देवता महाराज की जय, बोल लड्डू गोपाल की जय। गाइज यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट हम बरसाने पहुँच गए हैं। करीबन मेरे घर से जो पड़ता है बरसाना 128 किलोमीटर दूर पड़ता है। गाड़ी हमने यहाँ पार्किंग में लगाई क्योंकि आगे जाने दे नहीं रही हैं। आप देख सकते हैं बहुत भीड़ है गाड़ियों के पीछे, तो यहाँ पे रोक दे गाड़ी को, सारी गाड़ी पार्किंग में। यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर दूर है राधा रानी जी का मंदिर। ऑटो हमने कर लिया, सामान वामान सब उसमें रख दिया है। तो हम निकल रहे हैं ऑटो से, यहाँ पे रंगीली गली मुझे जाना है। तो रंगीली गली पहुँच के आगे मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। गाइज ऑटो में बैठ गए हैं, बिल्कुल निकल गए। राधे 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 राधे। गाइज राधा रानी के मंदिर जा रहे हैं, करीबन 300-350 सीढ़ियाँ भी चढ़ेंगी। माँ भी पीछे चढ़ रही है मेरे, पापा भी आ रहे पीछे, धीरे धीरे पहुँचेंगे ऊपर। गाइस फाइनली राधा रानी जी के हमने दर्शन कर लिए हैं। 4 बजे से यहाँ से लड्डू होली जो है स्टार्ट होगी,
जितना भी प्रयास नहीं होगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और डांस बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, बहुत कम उठ रहे हैं अंदर का, जैसे कि आपने हाल देखा ही है क्या है क्या नहीं, माहौल इतना बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, लोग घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कोई चिंता ही नहीं है ऐसे लोगों को यहाँ पे। बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, जितना भी प्रयास नहीं होगा मैं आपको देने की, बहुत ही मज़ा। अल्टीमेट कभी भी मौका मिले आपको यहाँ पर होली में आने का तो बिल्कुल गाइस हमेशा ट्राई करें आने की, ट्राई करें बिल्कुल, हम यहाँ पे आके दर्शन करें राधा रानी जी के। देख रहे हैं मेरा भी हाल क्या कर दिया है यहाँ पे, सारे रंग लगा दिए यहाँ पे, तो होना ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। राधा रानी जी की छत के थोड़ी सी ऊपर है, मतलब कि जो नीचे का ग्राउंड है उसके ऊपर थोड़ी छत पे आए हूँ, मेरा भाई एक ब्रदर है वो मुझे लेके आया, उसे मतलब यहाँ के रास्ते वगैरह सारे पता है। तो आगे देखते हो और क्या क्या बेस्ट शॉट मैं ले पाता हूँ यहाँ से, बाकी आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग व्यू है, बाहर का व्यू मैं आपको भी दिखाता हूँ कैसा है। मेरा भाई है कृष्णा, वो भी मुझे खुद लेके आया है, बाकी देखते हो कितनी अमेजिंग जगह मुझे घुमा पाता है मेरा भाई। शाम को हम यहाँ पे लड्डू मार होली के लिए ज़रूर आएंगे, बाकी आपको बाहर का भी बताता हूँ कितना अमेजिंग है यहाँ से, लोग डांस कर रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग व्यू है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। बाकी पर आगे बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। गाइज एक और अमेजिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो है, मतलब और सिटीज़ में है तो वहाँ पे आप कलर यूज़ करते हैं जो आर्टिफिशियल कलर होते हैं, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कलर कैसे यूज़ होते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे सारे यहाँ पे टैंकर भरे हुए हैं, तो मैं उंगली इसमें डालूँगा, मेरी उंगली देखना कैसी है, और अब मैं इसमें डाल के निकालूँगा तो देखना कैसी है। ये देखिए गाइज, इस पानी को बनाया जाता है केसू के फूल इसके अंदर डाले जाते हैं, और नेचुरल कलर है, कुछ भी इसका हार्मफुल नहीं है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है यहाँ पे, जब लोग आएंगे यहाँ पे, जो लड़के हैं वो आएंगे नंदगांव से यहाँ पे खेलने के लिए, तो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही मज़ा आने वाला है यहाँ पे। तो भाई जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ये भट्टी है जिसमें फूलों को पकाया जाता है, और उसके बाद देखिए नंदगांव से आने वाले लोगों के लिए क्या क्या तैयारी यहाँ पे कर रखी है। सारे केसू के फूल यहाँ पे पकाया जाता है, फिर उनसे यहाँ पे ये कलर बनाया जाता है, भर रखा है बिल्कुल, जो कल है लटमार होली जो मैं कैप्चर करूंगा। तो बाकी देखते हैं कल किस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है। फाइनली मैं निकला हूँ परिक्रमा करने बरसाना की, जो है अप्रॉक्सीमेट 3 किलोमीटर, मेरे को भाई ने सजेस्ट किया था, मेरा मन नहीं था, मेरे भाई ने बोला 3 किलोमीटर है तो परिक्रमा करते करते ब्लॉगिंग भी हो जाएगी, थोड़ा पुण्य भी कमा लेंगे, और फिर उसके बाद हम जाएंगे बरसाने ऊपर राधा रानी के मंदिर जहाँ पे लड्डू मार होली की ऑलमोस्ट तैयारी डन है। तो फटाफट चलते हैं और वहाँ पहुँचते हैं, फटाफट परिक्रमा कम्प्लीट करते हैं। थोड़ी सी चढ़ाइयाँ हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, तो इस तरीके का कुछ रास्ता है, तो आगे जाके देखता हूँ कितनी जल्दी मैं पार कर सकता हूँ, राधा रानी मंदिर पहुँच सकता हूँ। तो मिलते हैं फिर राधा रानी मंदिर में, आगे कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा।
भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, अंदर जाने का पता नहीं कैसे कैसे एडजस्ट मैं करूँगा। भीड़ दिखाता हूँ आपको मैं, तो भीड़ गाइस बहुत ज़्यादा है, देखता हूँ कैसे एडजस्ट करता हूँ अंदर जाने के लिए, क्योंकि लड्डू मार होली देखनी है।
कलर आप देख रहे हैं टी शर्ट वगैरह पे मेरे काफी ज्यादा लगा हुआ है, मतलब मंदिर में काफी कलर फेस वेस पे आंखों में चला गया था। तो अब फाइनली आके रूम में मुंह वगैरह धोया, नहाऊंगा, उसके बाद आराम करूंगा क्योंकि कल की प्रिपरेशन करनी है। बैटरी वगैरह सारी डिस्चार्ज हो चुकी है तो कल की प्रिपरेशन करनी है मुझे, क्योंकि कल आ रहे हैं नंदगांव से सारे लड़के बरसाने में खेलने, क्योंकि कल है लठमार होली। तो मिलते हैं कल। अगर गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना प्यार ज़रूर दें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें। तो मिलते हैं कल लठमार होली में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।